क्या सर, थैंक यू, आप आके देखो। नहीं नहीं, मैं आया ही तेरी वजह से मेरे भाई। सेम है ये बात, बिल्कुल राइट है कि मैं ऐसे स्पेशली जब मैं खुद काम में हूँ तो मैं बहुत कम निकलता हूँ बाहर, पर मेरी यहाँ आने की वजह ये इंसान है। और ये जितना अच्छा एक्टर है, जितना अच्छा मेकर है, उससे बेहतर इंसान है। और मेरी आने की वजह सिर्फ ये अक्षय। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं सर को भी बोल चुका हूँ कि सर मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अगर सर की आप जर्नी देखेंगे, जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की और आज एक एक, एक लीजेंड बन गया है, तो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत इंस्पिरेशन है। और ये इंस्पिरेशन मैं रोज़ लेता हूँ, यू नो, मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो ये मतलब एक एक लव वाली जो भूमिका होती है ना, तो ये वैसी है कि सर ने बहुत कुछ दिया है जो हमने फिल्मों से लिया, और पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से। इनफैक्ट जब फिल्म की ये रिलीज वगैरह भी होती है तो मैं सर से पूछता रहता हूँ, सर क्या करूँ, कैसे करूँ, यू नो, एंड ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड गिव मी ऑल दिस एडवाइजेस। सी, जेन्युइन एडवाइस मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कम मिलता है, तो सर से मुझे हमेशा यहाँ से एडवाइस मिली है। सो बहुत ज़रूरी फिल्म है, एक मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। ऐसे वाले दौर में जब हम लोग स्पेक्टिकल की बात कर रहे हैं, बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं, एक ग्रैंजर की बात कर रहे हैं, उधर एक सोल वाली फिल्म, एक पर्पस वाली फिल्म को लेके आना, ये भी अपने आप में गट्स है। पर ये अटेम्प्ट हमारे यहाँ से होते रहने चाहिए, ये हमेशा से मेरा मानना है। और ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ कि जब मैं तनुवेट्स मनु कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था, वो एक छोटी साइज़ की फिल्म थी, वो कितनी इम्पॉर्टेंट थी ये उस वक्त मुझे नहीं महसूस हो रहा था, पर जब वो फिल्म चल गई और किसी वजह से चल गई, मुझे ये समझ में आया कि ना वक्त अपने आप एक रोटेशन के बाद आता है जो आपको बताता है कि हाँ अब थोड़ा सा वक्त बदलेगा। सो अक्षय की ये फिल्म भगवान करे बहुत चले, बट ये इम्पॉर्टेंट फिल्म इसलिए क्योंकि इस साइज़ की फिल्म का भी ना एक सर्टन एक्सेप्टेंस ऑडियंस की तरफ होना ज़रूरी है, वो तब तक नहीं होगा जब तक हम ऐसी फिल्में नहीं बनाए। यार मैं टेक्स्ट फ्री चीज़ को तो मैं, क्योंकि जब ये फिल्म बना रहे होंगे इनके मन में ये कभी नहीं होगा कि ये टेक्स्ट फ्री हो जाए, और टेक्स्ट फ्री सामने वालों को लगना चाहिए टैक्स फ्री हो जाए। हमारी तो नीयत फिल्म बनाने की होती है, ऑडियंस तक पहुंचने की होती है, वो टैक्स फ्री पहुंचे या विदाउट टैक्स फ्री पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा था और बहुत ज़्यादा फन किया हम सब ने, बहुत अच्छा खाना खाया बनारस में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और शूटिंग करते वक्त लगा कि हम फैमिली हॉलिडे में थे, थैंक्स टू अक्षय सर, तो ऐसा लग रहा था कि हम छुट्टी मनाने आए और उसी चक्कर में हमारी फिल्म भी शूट हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। और आपके कॉन्सर्ट कैसा लगा, ये
एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने हमेशा बिलीव किया है. आई हैव नेवर एंडोर्स्ड अ फेयरनेस क्रीम एंड आई हैव ऑलवेज बिन शॉक्ड कि लोगों की सुंदरता को उनके स्किन कलर से कंपेयर करते हैं. तो मुझे हमेशा ये शॉकिंग लगता है. एंड मुझे जो लोग सुंदर लगते हैं लोगों को, बाकी लोगों को वो सुंदर नहीं लगते थे. मैंने ये क्या कन्फ्यूजन है, मेरे में कुछ गड़बड़ है कि दुनिया में. बट जैसा सर ने कहा, नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिया का नहीं. सो वही बात है. खुद पर्सनली मेकअप तो हमको करना ही पड़ता है, वरना आप लोग आएंगे नहीं देखने हमें. तो थोड़ा बहुत मेकअप तो स्क्रीन पे करना पड़ता है. पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो मतलब हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, बट फेयरनेस क्रीम्स कोई यूज़ नहीं कर पाए फॉर श्योर. किससे तो बहुत सारे. सबसे ज़्यादा क्लोज ये है जब मैंने एक सीन था जिसमें मुझे ठंडाई पीनी थी. वो दिन है और आज का दिन है, मैंने ठंडाई कभी नहीं पी. वो पहला दिन था जब मैंने ठंडाई पी थी और मैंने सात ग्लास ठंडाई पी थी. तो उसके बाद मैंने आज तक ठंडाई नहीं पी. आई थिंक अब टाइम हो गया है. आई थिंक वी कैन गो बैक एंड ट्राई ठंडाई वंस मोर. बहुत अच्छा लगा. मतलब जैसे कि देख रहे हैं और बिल्कुल अलग टाइप का ही चैलेंजिंग रोल था. बाकी तो आप प्लूटो से पूछो या प्लाटो, कौन सही है आप बताओ. कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है. मतलब पहली बार उसने सुनाया, उसने बोला कि पूरी नरेशन देते हैं, उससे पहले तुमको वन लाइन सुनाते हैं. तो जैसे वन लाइन सुनाए तो मैंने कहा कि डन, नरेशन की ज़रूरत नहीं है. ऑब्वियसली तुम बहुत अच्छा लिखोगे, पोनी भी है साथ में तो मज़ा आएगा. आप जेन्युइनिटी, एकदम जेन्युइन नेचुरल होने के साथ साथ ना, वो जो कॉमेडी हम लोग कोई नहीं कर रहे थे, और वो जिसको कहते हैं ना रस निष्पत्ति, वो हो रहा था. और वो जब सारे लाइट मैन और सारे सेटिंग के लोग हंसने लगे ना, तब हम लोग को लगता है कि यार रियल होते हुए भी हम लोग ह्यूमर दे पा रहे हैं. तो ये अलग था, अच्छा था. जो जैसा है वो वैसा ब्यूटीफुल है. तीन शब्द एंटरटेनिंग है, बट उसके साथ एक ब्यूटीफुल मैसेज भी है. और आप एंगेज रहेंगे थ्रू आउट द फिल्म, आप एंटरटेन रहेंगे, और साथ ही आप घर जाके 100% अपनी फैमिली के साथ ये डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि गोरा और काला में फ़र्क करना गलत है. तो यही हम चाहते हैं कि लोग इस बारे में बात करें और ये चीज़ रेलिवेंट ना रहे ये टॉपिक, और लोग पीपल सी बियॉन्ड स्किन कलर. सर से पूछना पड़ेगा ये सवाल. नहीं, ऑफ कोर्स हम देखेंगे, बट उसके लिए दो महीने लगेंगे. पहले थिएटर आएगी और कि 8 हफ्ते तक कहीं नहीं आ सकती. उसके बाद आएगी डेफिनेटली. चलें आते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनिंग पे चलते हैं. प्लीज लेट्स गो, लेट्स गो. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. हां कर दो. का क्या अजीश, इंद्रेश आ गए. आगे आ जाओ. चलो क्लिक क्लिक. मैंने भी आज बहुत अच्छा किया तुमने ये काम. ये भी ले लो बीच में. अच्छा, वहाँ बीच में
थैंक यू. ओके, आई थिंक लेट विदिन इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग, यू नो, बिकॉज दैट समथिंग विच इज अ वेरी पेन पॉइंट. वी आर, आई मीन, वी एज एन इंडिविजुअल वी आर इम्यून टू दीज थिंग्स बिकॉज इट जस्ट डजंट मैटर. बट टू प्ले दीज थिंग्स देर इज अ, इफ यू सी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म देर इज अ डेटा कि इस काले गोरे के भेद के चक्कर में ना हाउ मेनी डेथ्स एक्चुअली हैपन, हाउ मेनी सुसाइड्स एक्चुअली हैपन. दिस इज अ वेरी क्रूशल पेन पॉइंट ऑफ द फिल्म. सो आई थिंक टू रिलेट विद दैट पेन पॉइंट वॉज वेरी चैलेंजिंग. एंड इन एवरी सीन विद एवरी, आपने तो देखी हुई है, देर आर चैलेंज सीन्स जहाँ पे देख के लगता नहीं है आप दोनों बहनें. एंड इन रियलिटी आई हैव अ यंगर सिस्टर हु लाइक उसे का मिल्की वाइट, यू नो, एब्सोल्युटली टोटल फेयर. तो ये सब चीज़ें ना हमने फेस की हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था. बट देर आर पीपल हु एक्चुअली गेट टच्ड विद इट, हु गेट हर्ट विद दिस, और एंड दे टेक एक्सट्रीम स्टेप्स. तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि टू स्टेप इन टू दोज शूज एंड देन लिव दैट कैरेक्टर. दैट वॉज समथिंग वेरी वेरी चैलेंजिंग. अरे मैं तो यही बोली रही हूँ, ये इतना सीरियस सब्जेक्ट है. एक्चुअली इट इज़ अ आर्ट, इट इज़ एन आर्ट टू कम्युनिकेट अ मैसेज इन एन एंटरटेनिंग वे, वो भी इतना सीरियस सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन करते हुए कह देना. आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली एन एक्सेप्शन, आई विल से इट्स एन एक्सेप्शन. एटलीस्ट मैंने, अपार्ट फ्रॉम राजकुमार हिरानी हु रियली डज यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग, कि वो बहुत ही एफर्टलेसली ना एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट को लोगों तक कम्युनिकेट कर देते हैं. प्रॉब्ली अक्षय इज द सेकंड फॉर मी हु आई हैव सीन इन कम्युनिकेटिंग समथिंग एज सीरियस एज दिस सो एफर्टलेसली. थैंक यू, थैंक यू. जय 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 सोनी. ये है विश्वनाथ जी और ये अक्षत भाई, इन्हीं के लिए आया हूँ पिक्चर देखने. हमारे जूनियर है, पुराने साथी है सुलगना. हेलो खुशबू. हेलो सुलगना. फिल्म देखने के बाद भी आप पूछिए मुझे कैसी लगी. ट्रेलर देखा पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो भाई. क्या पूछना चाह रहे, पूछ लो. ट्रेलर देखे तो बहुत अच्छा लगा. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी कॉन्सेप्ट है समाज के लिए. ये जहीन व्यक्ति हैं तो इन्होंने अच्छा ही लिखा बनाया होगा. हमारे पुराने मित्र हैं, ये हमारे जूनियर हैं. तो मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी पिंकी ब्यूटी पार्लर टीम को. थैंक यू सो मच. बाकी देखने के बाद बाकी करेंगे. देखने के बाद आइए. बट मैं श्योर हूँ फिल्म अच्छी ही होगी. अरे चलो चलो अब देखते हैं. आप पिक्चर देखते हैं, इनको भी देखते हैं. कम कम कम.